इस वक्त जो कुछ हो रहा है फलस्तीन के अंदर, हमारे उन मुसलमान भाइयों के साथ, हमारे जितने ये लीडरान हैं इनको चाहिए कि ये इकट्ठे हो जाएं और जो इस्लामी इत्तेहाद है 57-56 ममालिक हैं जो, ये इकट्ठे होकर एक एलामिया जारी करें। खुदा गवाह है कि उनकी जुर्रत नहीं, जो हमें वो भीख देते हैं वो हमारे ही जराए से लेते हैं, हमसे हमारे ही वसाइल है जिन पर वो लोग काबिज हैं। हमारे पास इराक हो, ईरान हो, दुनिया पाकिस्तान हो, जितने इस्लामी ममालिक हैं इनके अंदर जखायर के बड़े बड़े मजमुए पड़े। आपकी विसातत से मैं चाहूंगा एक करारदाद पास करें कि हम अपने हुक्मरानों से ये गुजारिश करते हैं, अल्लाह का वास्ता है, सेल्फियां लेना छोड़ें। काकड़ साहब आप 4 दिन के लिए आए हैं, अपना नाम तारीख में अमर कर जाएं, कोई तगड़ा बयान दे दे, चबले ना मारे कि इसराइल और फलस्तीन अलग अलग रियासतें हैं ना। जनाबे कायद आजम मोहम्मद अली जनाह वाला फार्मूला रखे और हाथ उठा के ये एलामिया जारी करे कि हम इसराइल की जो जारियत है फलस्तीन के ऊपर हम उसकी मजम्मत करते हैं। हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें, शाबाश, हम इसकी मजम्मत करते हैं, जज़ाकअल्लाह। और दूसरा आखिरी ऐलान गुमशुदगी समाप्त फरमा ले और गुफ्तगू खत्म। ये ऐलान किया जाता है कि 57 ममालक की फौज बामाए वर्दी और उनके सालार असला और जदीद हथियारों से लैस हैं, वो गुम हैं। बराए मेहरबानी अगर किसी को मिले तो उन्हें फलस्तीन का पता दे। नन्हे मुन्ने बच्चे और बापरदा औरतें उन्हें आवाज लगा रही।